हेलो एवरीवन, मेरे चैनल एरिस किचन में आपका स्वागत है। आज हम मलवई चीज का दानेदार और शुभ मन सा घर पर बनाएंगे। ये मन था कोई भी फेस्टिवल फंक्शन या सेना जी के भोग के लिए बनाइए। ये मन थाल बनाना बहुत ही इजी है, तो चलिए मन थाल बनाना शुरू करें। 500 ग्राम चने का आटा प्लेट में डाल देते हैं। ये चने का आटा मार्केट में जो रेगुलर मिलता है वो आटा है। आप चाहे तो चने को चक्की में दरदरा पीस कर मोहन थाल बनाने में यूज कर सकते हो। आधा छोटा बाउल उबला हुआ दूध लेते हैं और उबला हुआ दूध आटे में डाल देते हैं। आधा छोटा बाउल गरम किया हुआ घी, दूध और घी को हल्के आंच से आटे में मिक्स कर लेते हैं। आटे को दोनों हाथ से प्रेस करके इसमें जो गुठली या लम्स है वो निकल देते हैं। आटे को दोनों हाथ से प्रेस करेंगे तो आटे का टेक्सचर अच्छा आएगा और मोहन थाल दानेदार बनेगा। आटे को प्रेस करके 10 मिनट तक सेट होने के लिए छोड़ देते हैं। आटे को सेट होने के लिए 10 मिनट तक छोड़ा था तो आटा सेट हो गया है, तो आटे को छान लेते हैं। आटे को छानने से आटे में जो लम्स है वो निकल जाएगा। इसमें जो गुठली है वो निकल गई है, तो मैं इसे निकल देती हूँ और इस तरह सारे आटे को छान लेते हैं। आटे को छान लिया है तो आटे का टेक्सचर हमें इस तरह का रखेंगे। गैस पर पैन रख दिया है तो पैन के अंदर 2 बड़े चम्मच देसी घी डाल देते हैं। घी को पिघलने देते हैं। घी पिघल गया है तो घी के अंदर तैयार किया हुआ आटा डाल देते हैं। आटे को घी में मिक्स कर लेते हैं और कंटिन्यू चलाते हुए कुक करेंगे। अगर आटे में घी कम लग रहा हो, अगर आटे को चलाने में दिक्कत हो रही हो तो और थोड़ा घी डाल के आटे को सेट कर सकते हो। आटे को कुक करते वक्त गैस की फ्लेम को मीडियम रखेंगे और मीडियम फ्लेम पर ही आटे को कुक करेंगे। जब आटा कुक होने लगेगा तो आटे में से घी छिटा पड़ने लगेगा। आटे का कलर लाइट ब्राउन कलर का ना हो जाए तब तक हम इसी तरह कंटिन्यू चलाते हुए आटे को कुक करेंगे। आटे को कुक होने में करीब करीब 20 मिनट का वक्त लग जाएगा, तो इस तरह कंटिन्यू चलाते हुए कुक करेंगे। आटे को 15 मिनट तक कंटिन्यू चलाते हुए कुक किया है तो आटे का कलर थोड़ा थोड़ा चेंज होने लगा है। आटे को थोड़ी देर और कुक करेंगे तो आटे का कलर लाइट ब्राउन कलर का हो जाएगा। आटा कुक हो गया है और इसका कलर लाइट ब्राउन कलर का हो गया है, तो गैस को ऑफ करके आटे को नीचे उतार लेते हैं। अब हम चाशनी बनाएंगे। चाशनी बनाने के लिए गैस पर पैन रख देते हैं और पैन में 1 बाउल शुगर डाल देते हैं। शुगर हमने 400 ग्राम ली है। हमने चने का आटा 500 ग्राम लिया है, तो उस हिसाब से हम शुगर 400 ग्राम ऐड करेंगे। आपको ज्यादा मीठा पसंद हो तो आप शुगर की मात्रा बढ़ा सकते हो या कम भी कर सकते हो। शुगर डूबे उतना ही पानी ऐड करेंगे। अब शुगर की चाशनी बनाएंगे। शुगर की चाशनी हम हाई फ्लेम पर बनाएंगे। शुगर की चाशनी बनने में 5 से 6 मिनट का वक्त लग जाएगा। इसे कंटिन्यू चलाते हुए चाशनी बनाएंगे। चाशनी हमें 2 तार की रखेंगे क्योंकि हमारे यहाँ विंटर का मौसम चल रहा है। अगर समर का मौसम चल रहा हो तो शुगर की चाशनी 3 तार की रखनी चाहिए।
अब 5 मिनट हो गए हैं तो चाशनी को चेक कर लेते हैं। चाशनी बन गई है तो चाशनी को नीचे उतार लेते हैं। आटे में चाशनी डालने से पहले ग्रेट किया हुआ मावा डाल देते हैं। मैंने बिना मावा के भी मोहनथाल बनाया है, आप चाहे तो मेरे ये वीडियो भी आप देख सकते हो, जिसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देती हूँ। इसमें डालेंगे 1 छोटी चम्मच जायफल पाउडर, 1 छोटी चम्मच इलायची पाउडर। इन सभी को मिक्स कर लेते हैं। ये मिक्स हो गया है तो इसमें चाशनी डाल देते हैं। चाशनी को आटे में अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। चाशनी आटे में मिक्स हो गई है तो एक प्लेट लेते हैं। प्लेट में पहले से ही घी ग्रीस कर लिया है, अब मिक्सचर को प्लेट में डाल देते हैं। मिक्सचर को प्लेट में फैला देते हैं। मोहनथाल के ऊपर मैंने खसखस के भी बादाम के टुकड़े और पिस्ता के टुकड़े डाले हैं। तैयार है हमारा सॉफ्ट रोल दानेदार मोहनथाल। आई होप कि मोहनथाल का वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में बताइए। मिलते हैं नए वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।